आप देख रहे हैं जिया फैशन बुटीक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया फैशन बुटीक। फ्रेंड्स, आज हम आपको 10 साल की बेबी के लिए बहुत ही प्यारा सा प्लाजो बनाना सिखाते हैं। ये हमने 30 इंच का डबल कपड़ा लिया है, यानी 60 इंच लिया है। इसको हमने एक बार डबल करके रखा हुआ है, फिर इधर से हम डबल कर लेते हैं। इसकी चौड़ाई फ्रेंड्स हम 11 इंच लेते हैं इस तरीके से, और इसका आसन की लंबाई हम इस तरीके से 11 इंच लेते हैं। इस तरीके से हम 2 इंच रखते हैं, इसमें 1 इंच को यहाँ पर निशान लगाते हुए इसको इस तरीके से गोलाई में निशान लगा देते हैं। देखिए, हमारा आसन का निशान लग चुका है। फ्रेंड्स, इसकी मोहरी हमें 7 इंच रखनी है। आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं बेबी की हेल्थ के हिसाब से। यहाँ से इसका निशान हम यहाँ पर मिला देते हैं। देखिए, हमारा प्लाजो का निशान लग गया है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। ये हमने काट लिया है। अब हम ऊपर से इसके जुड़े हुए हिस्से को काट कर अलग अलग इसकी मोहरी कर लेते हैं इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा इसके साइड में का बचा हुआ कपड़ा है। इसमें से हम 8 इंच की लंबाई की मोहरी निकालते हैं, फ्रिल निकालते हैं 8 इंच की लंबाई की फ्रिल। इसमें हम फ्रिल को नीचे की तरफ मोहरी में लगाएंगे। ये फ्रिल वाला प्लाजो हम बना रहे हैं। इस तरीके से हम इसकी फ्रिल को काट लेते हैं। ये डबल फ्रिल है दोनों मोहरी में लगने के लिए। यहाँ पर हम इसको लगाएंगे। फ्रिल को भी हम आधा आधा काट कर अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ से हम नेफा मोड़ेंगे लास्टिक के लिए। ये 23 इंच की हमने लास्टिक ली है। देखिए, ये हम इसकी मोहरी में दूसरे कलर का कपड़ा लगाएंगे। यही कलर में टॉप में भी इसी कलर का डिज़ाइन लगाए हैं। इसकी 1.5 इंच को मोड़ कर 7 इंच की लंबाई की पट्टी काट लेते हैं, यानी कि खोलते हुए 14 इंच की पूरी मोहरी में हम ये पट्टी लगाएंगे। हमने 2 पट्टी काट ली हैं इसकी डबल करते हुए। अब हम इसको यहाँ से काट कर अलग कर लेते हैं। अब हम इसमें बो लगाएंगे। ये 4 इंच की चौड़ाई है और 8 इंच की इसकी लंबाई है बो की। 2 बो का कपड़ा हम काट लेते हैं। देखिए इस तरीके से, यहाँ से भी हम ये कपड़ा काट कर अलग अलग कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ये हमारा फ्रिल है सबसे नीचे लगने के लिए मोहरी का। इसकी हम दोनों फ्रिल की अपने कन्नी मोड़ लेते हैं इस तरीके से, अंदर को करते हुए, फिर एक बार और अंदर को करते हुए। इस तरीके से हम इसकी दोनों फ्रिल की कन्नी मोड़ कर तैयार कर लेते हैं। ये हमने इन दोनों की कन्नी मोड़ कर तैयार कर ली है। अब हम इसमें बारीक बारीक हल्की हल्की सी प्लेट्स डालते हैं। दोनों फ्रिल अपनी इसी तरीके से प्लेट्स डालकर हम तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, हमारी इस तरीके से ये प्यारी सी प्लेट्स डलकर तैयार हो गई है फ्रिल। देखिए, अब हम इसके ऊपर अपनी प्लाजो की मोहरी रखते हुए इस फ्रिल पर सिलाई लगा लेते हैं इस तरीके से, दोनों पीस पर, प्लाजो पर भी और फ्रिल पर भी। देखिए, फ्रिल बिल्कुल तैयार बैठ गई है। अगर आपकी फ्रिल कम या ज़्यादा हो तो इसको माप कर सेट कर लीजिए। थोड़ी प्लेट्स और डाल दीजिए या प्लेट्स को उधेड़ दीजिए। इस तरीके से हम इसको मोहरी पर अपनी सेट कर लेते हैं फ्रिल को। देखिए फ्रेंड्स, हमारी फ्रिल मोहरी में लग के, प्लाजो की मोहरी में लगकर कितनी प्यारी लग रही है। अब यहाँ पर हम इसको सेट करते हुए एक कन्नी की सिलाई लगा लेते हैं, जिससे हमारी फ्रिल अच्छी तरीके से सेट हो जाए। ये हमने दोनों मोहरी पर इसी तरीके से सिलाई लगा ली है। अब जो हमने 1.5 इंच की पट्टी काटी थी, उसको इस तरीके से अंदर की तरफ को मोड़ते हुए हम यहाँ पर रख कर एक सिलाई लगा लेते हैं इस पर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। देखिए फ्रेंड्स, ये हम पट्टी पर सिलाई लगा लेते हैं इस तरीके से। अब हम अपने दूसरी तरफ भी पट्टी पर इसी तरीके से सिलाई लगा लेते हैं। इधर से भी इस तरीके से अंदर की तरफ को मोड़ते हुए हम पट्टी को तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, आप इसमें किसी भी तरह की किसी भी कलर की प्रिंटेड पट्टी भी लगा सकती हैं। अगर टॉप के ऊपर इसको पहनाना चाह सकते हैं तो टॉप के हिसाब से भी कपड़ा इसमें लगा सकती हैं। अपनी मर्ज़ी से आप किसी भी तरह का कपड़ा इसमें यूज़ कर सकती हैं। देखिए, अब हम इसके बीच सेंटर में एक मोड़ कर इस तरीके से निशान लगा लेते हैं और ये हम बो तैयार कर लेते हैं इस तरीके से साइडों में से दोनों तरफ से सिलाई मारते हुए। अब इसको पलट लेते हैं बो को। अब इसके बीच में छोटी छोटी सी प्लेट्स डालकर बो में सिलाई लगा लेते हैं। इस तरीके से दो बार सिलाई लगा दीजिए इसमें। ये देखिए हमारी कितनी प्यारी छोटी सी बो तैयार हो गई है। अब हम इसके बिल्कुल बीच में यहाँ पर निशान लगा लेते हैं और बो को इसके ऊपर रखकर सिलाई लगा देते हैं। आप चाहें तो सुई से भी बो लगा सकती हैं। देखिए इस तरीके से बो को लगा देते हैं। ये देखिए हमने ये बो लगा दी। दूसरी मोहरी में भी हम इसी तरीके से बो लगा देते हैं। ये देखिए हमने दोनों प्लाजो के आसन को मिलाकर इसमें सिलाई लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, इस पर दो सिलाई मार लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से मजबूत हो जाए। देखिए हमने आसन पर दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ से इसमें बराबर में से फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं इस पर प्लाजो पर अपने। देखिए इस तरीके से हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं दोनों मोहरी पर। फ्रेंड्स, अगर इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकती हैं, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। देखिए हमने दोनों तरफ इस पर पाँचों पर सिलाई लगा ली है अपनी। अब हम यहाँ से लास्टिक का हिस्सा लेते हैं, इसको अंदर की तरफ को मोड़ देते हैं। एक बार मोड़ कर इसको सिलाई लगा लेते हैं, इससे हमें लास्टिक लगाने में परेशानी नहीं होती है। देखिए इस तरीके से हम लास्टिक पर सिलाई लगा लेते हैं। लास्टिक को डबल करते हुए हम दो तीन सिलाई इस पर लगा लेते हैं। ये हमने लास्टिक पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसको प्लाजो के नेफे में डाल देते हैं इस तरीके से, ऊपर की तरफ इसको रख देते हैं और इस तरीके से करते हुए हम नीचे की तरफ सिलाई लगा देते हैं। फ्रेंड्स, लास्टिक पर हमारी सिलाई बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो लास्टिक खींचकर सेट नहीं हो पाती है। इस तरीके से करते हुए आराम आराम से खींचते हुए इस पर सिलाई लगा लीजिए नीचे की तरफ। देखिए इस तरीके से खींचते हुए लास्टिक सेट कर दीजिए। हमारी लास्टिक लग गई है। अब हम लास्टिक के बिल्कुल बीचों बीच एक सिलाई और लगाएंगे ताकि हमारी लास्टिक बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाए इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा प्लाजो तैयार हो गया है। कितना प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स। ये 10 या 11 साल की बेबी के लिए आराम से आ जाएगा। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी, फ्रेंड्स अपने अगली वीडियो में हम इसका टॉप का डिज़ाइन बताएंगे, बहुत ही प्यारा सा। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए